और हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले कहा 2014 की जो ये चुनावी जो समर अब शुरू होने वाली है उसमें चाय की चौपाल लगाएंगे और गांधीनगर से इसकी शुरुआत होगी, ये बताया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि मोदी की चाय वाली छवि को ताकत में अब तब्दील करने की कोशिश कर रही है बीजेपी और इसी के मद्देनजर अब चाय की चौपाल लगाई जाएगी। तो गांधीनगर से चाय की चौपाल की शुरुआत की जाएगी। हम आपको बता दें अब चाय वाली छवि जो है नरेंद्र मोदी की उसे ही ताकत बनाने की कोशिश अब की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ताकत के रूप में इसे तब्दील किया जाएगा और तैयारी इसी बात की है। पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। करीब 1000 शहरों में चाय की चौपाल का होगा सीधा प्रसारण, जिसमें कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। तो अब नरेंद्र मोदी की, जिसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने सोचा था कि हथियार वो बनाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन अब उसे ताकत बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और अब चाय की चौपाल बाकायदा लगाई जाएगी और इसकी शुरुआत होगी गांधीनगर से। तो मैं आपको बता दें इसमें जनप्रतिनिधि पार्टी के जितने भी हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे और 1000 शहरों से सीधा प्रसारण इसका किया जाएगा।